नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2018 बैच के सेकंड सेमेस्टर के क्या मैथ का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था? दोस्तों, इसके कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि मैथ का पेपर दोबारा होगा, इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। तो यदि आप भी इस बैच से रिलेटेड हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे जिसमें मैथ के पेपर को आउट ऑफ सिलेबस बताते हुए इसको फिर से दोबारा कराने की मांग की जा रही है। देखिए दोस्तों, आप पूरा आर्टिकल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये दूसरी आर्टिकल है, इसमें भी पेपर को आउट ऑफ सिलेबस बताया गया है और फिर से परीक्षा को दोबारा आयोजित करने के लिए मांग की जा रही है। दोस्तों, अगर मेरी ओपिनियन अगर आप लोग जानना चाहें तो पेपर कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, सभी पेपर आपके टॉपिक से थे जो कि डीएलएड 2018 बैच के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में रखे गए हैं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि पेपर थोड़ा लेंदी था और 1 घंटे के हिसाब से थोड़ा सा समय कम पड़ सकता था, लेकिन पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। दोस्तों, आप लोग के हिसाब से क्या पेपर आउट ऑफ सिलेबस था? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दें और साथ ही साथ आप लोग क्या सोचते हैं मैथ के पेपर के संदर्भ में ज़रूर बताएँ। दोस्तों, डीएलएड 2018 बैच के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पीएनपी के सचिव को इससे अवगत कराया है और निश्चित तौर पर कुछ बातें निकल करके सामने आएंगी अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है, लेकिन अभी मैथ का पेपर दोबारा होने के कोई भी चांसेस नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं हो सकता है। डीएलएड 2017 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत का पेपर थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत के पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आ गया था, लेकिन उस समय प्रॉब्लम जेन्युइन थी और वाकई में सिलेबस थर्ड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आया था। उस वजह से पीएनपी ने पेपर को कैंसिल करके फिर से फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर संस्कृत का आयोजित कराया था डीएलएड 2017 बैच के लिए। लेकिन यहाँ पर समस्याएँ उलट हैं और पेपर बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आया था, हाँ, लेकिन उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई था और 1 घंटे के हिसाब से थोड़ा अभ्यर्थियों को परेशानी हो सकता था, लेकिन पेपर जो है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आया था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।